240 रहता है पूरा शेड, जो एप्पल का ही शेड है ये बड़े साइज का एप्पल है। अच्छा, बेस्ट क्वालिटी रहती है एकदम। टाइगर भी है, एक के अंदर 5 किलो रहता, 250 में 100 इसका बॉक्सेस रहता, 2.5 किलो से 6 किलो लोड करके ऐसा लेके जाता, ऐसा पूरा मैदान टाइप रहता है। वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। तो आप लोगों का बहुत ही कमेंट आ रहा था कि भाई ये मार्केट किधर है, तो ये मार्केट है बाटा सिंगाराम में। इससे पहले मैंने इसका एक और ब्लॉग बनाया था, अब इसका मैं सेकंड ब्लॉग बना रहा हूँ। इसमें बहुत बड़ा मार्केट है, एक ब्लॉग में ये पूरा कंप्लीट नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक ब्लॉग अगर मैं उसका बना लेता तो वो 1 घंटे के ऊपर बन जाता था, इसीलिए मैंने आज उसका सेकंड पार्ट बनाया। आपको बता दूंगा और क्या क्या वहाँ पर चीज़ होलसेल में मिलती है। तो हैदराबाद का सबसे बड़ा मार्केट है, अगर आप लोग ओल्ड सिटी में रह रहे हैं तो ओल्ड सिटी से आपको 40 किलोमीटर दूर आएगा ये मार्केट और अगर आप ओल्ड सिटी में रह रहे तो ओल्ड सिटी में आप जैसे मौसमजाई मार्केट है और दूसरी 2-3 मार्केट टैली करके ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में होना, आप अगर नई दुकान वगैरह शुरू करना चाह रहे, कोई बंडी वगैरह शुरू नई स्टार्ट करना चाह रहे, तो आप लोग वहाँ पर जाके ले सकते हैं। तो और क्या क्या वहाँ पर चीज़ मिलती है, तो लेट्स गो, चलते हैं। तो हम लोग दूसरी जगह एप्पल का जो शेड है वहाँ पर जाएंगे। ये बोलिया रहते हैं, कैसा चीज़ चाहिए एप्पल? 1700 रुपये पेटी। कितना रहता है इसके अंदर? 175 रहता पीस, 1700 रुपये पेटी रहता है ये, 175 आता है इसके अंदर। और भी इधर ये कैसा रहता है चीचा? ये 2000 रुपये का, साइज थोड़ा छोटा रहता है ये। कितना रहता है इसके अंदर? 240। तो देख सकते हैं आप, इसमें 240 रहता है, 1700 रुपये का पेटी है ये। तो ये ऐसा अलग अलग साइज के, ये अलग अलग साइज के हिसाब से रेट रहता है ना ये इसका। अब ये वाला जो है ये कैसा है चीचा? ये भी 2000 रुपये का है। इसमें कितना रहता है? 175। तो मतलब 175 240 जैसा बॉक्स ही रहता है, तो इसमें कम हो जाता है इसके अंदर और कुछ? 100-100 रुपये और कम हो जाते हैं, मतलब 100-100 रुपये और भी कम हो जाते हैं इधर। और इधर और आगे देखो आप, ये पूरा ऐसा मेन मार्केट है, और सुबह सुबह 6:30 बजे के टाइम, 6 बजे के टाइम पे ऐसा बोली होती है यहाँ पे। अब ये देख सकती है बड़े साइज का एप्पल है, ये कैसा रहता भैया? ये 2500 रुपये। कितने आते हैं इसके अंदर भैया? 100 पीस रहते, मतलब ईच वन 2500 रुपये का पड़ता है। अच्छा, और इसमें कुछ कम हो जाता है? कितना? 100-200 रुपये और कम हो जाएगा। तो 2500 रुपये का बॉक्स है, 100 पीस आता, साइज जो एकदम बड़ा साइज है ये। और भी इसमें रेट कम हो जाता है इनकी शॉप पे। तो ये जो है भाटा सिंगाराम में पूरी जगह पे, ये मेन, ये पूरा शेड जो एप्पल का ही शेड है ये। तो और अगर तरबूज वगैरह का शेड जो है, नीचे चले जाना पड़ेगा। ओके, अनार का उस साइड, अनार, ग्रेप्स और उधर जाम, इधर ये पूरा सेब। ओके, ये जो है ये शेड पूरा सपोर्टों का शेड है। अब यहाँ पर पूरे सपोर्टे मिलते हैं। अब ये देख सकते हैं आप, ऐसा कवरों में बने हुए। कैसा रहता भाई ये? 250 में 2। तो पके हुए रहते, कच्चे रहते हैं? पके हुए रहते। तो कितना किलो रहता है एक के अंदर भाई? एक के अंदर 5 किलो रहता, 250 में 2, मतलब 10 किलो आपको एक 25 रुपये के रेट के हिसाब से मिल जाता है। ये भी पूरा एकदम बड़े बड़े साइज का रहता है इसके अंदर। और ये जो सामने ये बेर की है, 300 रुपये में 30 किलो रहता है। तो ये देख सकते हैं अभी ऐसा पूरा शेड रहता है इधर भी, और ये अलग अलग रहता है। ये जो है ऐसे पाकिटों में बांध के रखते हैं 5-5 किलो के हिसाब से। और अगर आपको पूरा ऐसा पूरा क्या बोलते हैं उसको, क्रेट वगैरह भी होना, तो क्रेट वगैरह भी मिल जाता। कैसा रहता वो क्रेट? कितने का रहता वो? 700 रुपये का क्रेट रहता वो। कितना आता उसके अंदर? 20 किलो। तो ऐसा क्रेट के हिसाब से भी ले सकते हैं, अगर आपको अगर ज़्यादा नहीं होना कम होना बोले तो ऐसा 5-5 किलो के हिसाब से भी ले सकते। और इसके आगे ये पूरा स्ट्रॉबेरीज भी रहता, स्ट्रॉबेरीज का बॉक्सेस रहता पूरा, ये बॉक्स के हिसाब से आता। ये कैसा बॉक्स आता पूरा, ये कैसा रहता ये बॉक्स? 150 रुपये में। कितना रहता है इसके अंदर? 8 डब्बे, 150 रुपये में ये 8 डब्बे रहते हैं ये पूरे। और ये वाला उससे थोड़ा बड़ा बॉक्स है, ये 180 रुपये। इसमें कितने रहते?
8 डब्बे ही रहते, थोड़ा बड़ा रहता साइज। अच्छा तो ये भी देख सकते, 8 डब्बे आते 150 रुपए में, अलग अलग साइजेस के भी रहते इसमें। ये एक बड़ा साइज है, ये छोटा साइज है, पूरे में 8-8 डब्बे रहते। और इसके आगे भी ये पूरा स्ट्रॉबेरी का सेक्शन ही रहता है। ये अब देखो ये खरीद लिए थे, ऐसा कैसा है ये 180, कितने रहते इसके अंदर? 8 डब्बे रहते इसके अंदर। अगर ये पूरा ऐसा कार्टून लिए तो कितने का? 60 डब्बे रहते इसके अंदर। अच्छा 7 क्रेट रहते, वैसे 180 रुपए का ये डब्बा रहता ईच वन, मतलब आपको 8 बोले तो एक 20 रुपए के एवरेज में ये पड़े आता आपको। और यहाँ पर थोड़े बड़ी स्ट्रॉबेरीज है, पीसेस भी ज्यादा दिख रहे हैं इसके अंदर। ये कैसा है ना, 180 रुपए का ही रहता, तो इसमें कम हो जाता कुछ अगर डब्बा ले लिए तो? कितना हो जाता कम? 10-20 रुपए और भी कम हो जाते, 180 रुपए का डब्बा रहता है और 10-20 रुपए भी कम हो जाते इसके अंदर। और ये पूरा सपोर्टे का रहता है। ये कैसा है भाई नूटा? या भाई 250, ये 250 में कितना? 2 कवर रहता है, ये भी 250 रुपए। कितना किलो रहता ना? 5 किलो एक कवर में। तो ये पक्का रहता है कच्चा रहता है? अच्छा दोनों मिक्स रहता, मतलब कच्चा पक्का दोनों मिक्स रहता। हम लोग ये तरबूज के सेक्शन में आए, ये पूरा ऐसा तरबूज का, ये इधर शेड वगैरह नहीं है, ऐसा गाड़ी वाड़ी में रहता। तो ये कैसा रहता भाई, ये कैसा किलो के हिसाब से रहता है या पीस के हिसाब से रहता है? पीस के हिसाब से नहीं रहता, किलो के हिसाब। कैसा रहता भैया किलो? कैसा किलो रहता भैया? ये 15 रुपीस केजी। अच्छा 15 रुपए किलो रहता। ये साइज के हिसाब से भी रहता कि अगर बड़ा छोटा साइज रहा तो उसका रेट का? 1 किलो से 5 किलो तक रहता। हाँ और छोटा साइज का रहा तो वो? 10 रुपए। अच्छा अच्छा ये 10 रुपए किलो रहता है और बड़े साइज का 15 रुपए किलो रहता। तो ये साइज के हिसाब से भी आता भी, जैसे छोटा साइज है तो ये 10 रुपए किलो, 1 से 2 अढ़ाई किलो के अंदर। और ये बड़े साइज का जो है 2.5 किलो से 6 किलो तक का रहता है। ये देखिए ऐसा पूरा मैदान टाइप रहता है, ये पूरा ऐसा बड़ा मैदान है ये। तो यहाँ पर कोई शेड वेड नहीं है, लॉरी ठहरी हुई रहती है, लॉरी के अंदर से लोड करके अनलोड करके जैसे लेके जाना रहता जिधर जिधर अलग अलग जगह पे, वहाँ पर यहाँ से खरीद के वहाँ पर लेके जा सकते हैं। अब जैसे बड़ा साइज का रहा तो उसका 10 रुपये से 15 रुपये तक केजी का रहता, और एक जो रहता 10 रुपये केजी का रहता वो छोटा साइज रहता 1 किलो से 2.5 किलो तक का रहता, और जो बबड़ा साइज रहता वो आपको जो है 3 किलो से 6 किलो तक का रहता है। पर दूसरी लॉरी है, अब ये देख सकते हैं आप भी साइज के हिसाब से ही रहता है। ये कैसा रहता भैया? अच्छा महाराष्ट्र का टाइगर है, तुम्हारे जैसा, तुम भी महाराष्ट्र में टाइगर दिख रहे मेरे को। तो कैसा किलो है ये? अच्छा तू हैदराबाद? अच्छा 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 ये कैसा है भाई ये? अच्छा 16 रुपए किलो से आ रहा है। तो ये कितने किलो रहता है ये? 2 किलो से 4-5 किलो तक का रहता, एकदम तुम्हारे से तंदुरुस्त रहता वो लो। अच्छा अच्छा अब इसमें छोटा साइज का जो रहता वो? लास्ट दो किलो है और बड़ा रहा तो? अच्छा 3 किलो से 5 किलो तक रहता बड़ा साइज, और छोटा रहा तो कम से कम 2 किलो रहता। तो ये ऐसा मतलब यहाँ पर ये लॉरी लॉरी में से सीधा लॉरी से ले लेके आते हैं। अच्छा बेस्ट क्वालिटी रहती है एकदम, टाइगर भी है देखो। अच्छा इसके ऊपर स्टिकर भी है टाइगर का, तो अच्छी क्वालिटी का माल रहता है ये। खरबूजे का साइड आए हुए हम लोग, ये पूरा यहाँ पर खरबूजा मिलता है और ऐसा लोड करके ऐसा लेके जाते हैं। ये पूरा ऐसा छोटी छोटी गाड़ियों में रहता है या फिर ऐसा लॉरी में रहता है। तो कैसा है भाई ये? 20 रुपये किलो। तो ये देख सकते आप 20 रुपये किलो है ये तरबूजा। और ये वाला भाई उससे महंगा है, ये 2 रुपये 22 रुपये किलो। तो ये इधर जो है ये यहाँ का जो है ये 20 रुपये किलो है, ये 22 रुपये किलो है। अब ये और भी है यहाँ पर ऐसा लॉरी के अंदर, देख सकते हैं आप ऐसा लॉरी के अंदर ही आता है यहाँ पर पूरा माल, काफ़ी बड़ा मार्केट है बहुत ही। और अब यहाँ पर भी तरबूज रहता है अलग अलग, ये देखो ये छोटे साइज का है। और ये कैसा रहता भैया ये? 10 रुपये किलो। तो ये साइज जो है थोड़ा छोटा है, ये 10 रुपये किलो रहता है। अगर ज़्यादा लिए तो कितने में आता है ये?
अच्छा फिक्स है तुम्हारा, फिक्स रेट है, मतलब ये 10 रुपए किलो है। और ये यहाँ से, यहाँ से देखो आप पूरा दूर तक पूरी लारी है, और यहाँ पर खरीद करके लेके जा सकते हैं आप आराम से। अच्छा अभी बड़ा मार्केट है, बहुत ही अच्छा जबरदस्त मार्केट है, एकदम होलसेल मार्केट है ये सब में बड़ा हैदराबाद का। अब यहाँ से जो भी खरीदी करने वाले जैसे लोकल में खरीदी करके लेके जाते हैं, और दूसरी मार्केट से भी बहुत ही समझो आप एकदम लोएस्ट प्राइस रहता, और बहुत ही बड़ा मार्केट है ये, बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा आया मेरे को भी। आप लोग भी बताइए वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एम ने ब्लॉग्स को। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।